फ्रेंड आप लोग कैसे आए हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड आज का हमारा टिप्स है दूध को लेके। तो फ्रेंड हमारा जब भी दूध उबलता है तो हम सोचते हैं कि इसको कैसे हम उबालें और हमारा छाली मतलब अच्छे से हो या हमारा दूध गिरे ना। तो हमारे पास तो ज़्यादा टाइम रहता नहीं है कि हम दूध अच्छे से उबालें। तो फ्रेंड इसके लिए एक मैं टिप्स लेके आई हूँ। देखिए ये कटोरी है और ये कप है। तो आप क्या करेंगे कि आप इस साइज का कप इसमें डाल देंगे तो आपका दूध नीचे की तरफ हो जाएगा और आपका दूध अच्छे से देखिए उबलने लगेगा। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये आज का टिप्स है और दूसरा टिप्स हम आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड हमारा दूसरा टिप्स है बेलन और चौकी को लेके। तो फ्रेंड अक्सर हम रोटियां बेलते हैं तो हमारा रोटियां चिपक जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गैस ऑन करके और इसको ऐसे हल्का हल्का सेक लेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड कि हमारा रोटी बेलने में बहुत आसान होता है। और अक्सर आप लोग देखते हैं कि आटा जब हम रोटी के लिए बनाते हैं गूंथते हैं तो आटा हमारा गीला हो जाता है। तो हम लोग उसमें आटा बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो चौकी पे हमारा चिपक जाता है। तो इसके लिए हम इसको ऐसे ज़्यादा नहीं ऐसे ऐसे करके पानी को सुखा लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा रहा दूसरा टिप्स। तो फ्रेंड हमारा ये आज का तीसरा टिप्स है। तो फ्रेंड देखिए हमने यहाँ पे कुकर लिया है। अक्सर तो लोग तावा और कढ़ाई में रोटी बनाते हैं लेकिन हम बनाएंगे आज कुकर की मदद से रोटी। तो फ्रेंड हमको क्या करना है कुकर को गैस करके कुकर को हीट कर लेना है। तो फ्रेंड देखिए हमारे नीचे से कुकर हीट हो चुका है। अब इसको हम ऐसे करेंगे और इस पे हम रोटी को डाल देंगे और गैस को हम तेज़ कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए जैसे हम तवा पे रोटी बना के गैस पे हम रोटी फुलाते हैं तो हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड क्या करेंगे हम कुकर को हटाएंगे और हम रोटी को इस पर सेकेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड देखिए जैसे हम तवा पे रोटी बनाते हैं वैसे हम ऐसे ही कुकर की मदद से हम रोटी बना लेंगे। तो फ्रेंड हमारा ये तीसरा टिप्स है। देखिए कितना बढ़िया ये हमारा रोटी हो चुका है। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा कपड़े को लेके चौथा टिप्स है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अक्सर ऊनी कपड़ा हम लोग गर्मी के बाद हम लोग क्या करते हैं इसको ठंडी बीत जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि इसको कैसे रखें। तो हम एक आपको टिप्स बता रहे हैं। तो इसको हमको ऐसे मोड़ देना है और मोड़ के फ्रेंड ऐसे करके और ऐसे ऐसे छोटा कर लेना है और इसको ऐसे करके और ऐसे करके और इसमें हम फोल्ड कर देंगे। तो हम ऐसे अलमारी में भी इसको रख सकते हैं और बैग में भी ऐसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा कितना बढ़िया से ये ख़राब भी नहीं होगा। इसको एक मिनट पांचवा टिप्स है जींस को लेके। तो अक्सर हम लोग जींस सोचते हैं कि हम लोग कैसे इसको रखें। तो फ्रेंड हम एक उपाय बता रहे हैं ऐसे करके और ऐसे इसको और छोटा करेंगे और छोटा करके और इसको ऐसे करके। तो फ्रेंड देखिए इसको हम इसमें ऐसे करके और इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड हमारा ये शेप हो जा रहा है और इसको ऐसे हम मोड़ लेंगे। तो फ्रेंड देखिए हम इसको बैग में या पर्स में कहीं माने आपको टूल जाना है और आपके पास बैग पूरे आपने उसमें पूरा
कपड़े भर दिए हैं, जगह नहीं है, तो अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको पर्स में भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा टिप्स, आपको कैसा लगा? तो फ्रेंड देखिए चूड़ी के लेके एक टिप्स आपको बता रहे हैं, छोवा टिप्स। तो फ्रेंड हम सोचते हैं कि हम चूड़ी कहाँ कहीं भी जाना होता है तो इसको हम कैसे बैग में या पर्स में लेके जाएं, तो इसके लिए हम टिप्स बता रहे हैं। तो हमारे पास बाल में लगाने वाला ये रबड़ रहता है, इसको हम बेकार फेंक देते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड देखिए इसमें हमारा ये सेप हो गया। अब इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।